fatum, sir fatum. क्यों लाया मैं ऐसे यहाँ पर? काम से कोई मतलब ही नहीं, बस मुंह उठाकर इधर उधर घूमना। रणबीर और सुहानी की खुशी को इस तरह से छीनेगी ये लड़की भी ना। हनी की आएगी बारात, हनी की आएगी बारात, हनी की आएगी बारात। कहाँ गई थी तुम? अरे मैं ना यहाँ अकेले बैठी हुई थी, बोर हो रही थी, मैंने सोचा घर आ गई हूँ तो मैं एक बार घर देख लेती हूँ। सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा। कोई तो ना, सारी गलती आशा ताई की है। आशा ताई थोड़ी ना, अब तो मेरी सासू माँ है ना, उन्होंने मुझे दूध का ग्लास दिया, पूरा सीधा कमरे में जाओ, तो मैं आ गई, घर भी नहीं देख पाई पूरा। आधी रात को तो मैं घर देखने की सोच रही है। अच्छा सॉरी ना, तो एक काम करो, दूध पियो और चिल करो। नहीं पीना मुझे। मत पियो। वैसे पता है मुझे ये घर ना बहुत पसंद आया, पता जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना बड़े बड़े घर अमीर लोगों के, एकदम वैसा। इतने बड़े बड़े झूमर, हर जगह चमचम बिजली, मजा आ गया। ये तो वाह, कितना मुलायम मुलायम है। पता है जब मैं छोटी थी ना तो मेरा एक सपना था कि मुझे भी ना एक महल जैसा बड़ा कमरा चाहिए जिसमें मैं एक प्रिंसेस की तरह रहूं और मुझे कभी कोई ना रोके। हाँ अच्छा, सपना तो बड़ा सुंदर है तुम्हारा, पर ये कमरा भी ठीक है। वैसे तुमने अभी तक पूरा घर देखा नहीं है ना, और भी सुंदर सुंदर रूम्स हैं, और उसके सामने ये कमरा तो कुछ भी नहीं है। क्या और भी बड़े और भी सुंदर कमरे हैं इस घर में? हाँ, अरे और बड़ा, अरे हाँ, अभी तक तुमने ये घर देखा नहीं है ना, इसलिए रणवीर और सुहानी का रूम भी नहीं देखा होगा तुमने। और बताना। अरे वही तो बता रहा हूँ, वो रूम तुम्हें मिल इस घर की बड़ी बहू को मिलना चाहिए था, वो बड़ा रूम। और बताओ ना, और बताओ। हाँ हाँ वही तो बता रहा हूँ मैं, बड़ी बहू का बड़ा कमरा, बड़ा बेड, अच्छा डेकोरेशन, सबसे बेस्ट रूम है वो, पर ये रूम भी अच्छा है, पसंद है ना तुम्हें? नहीं, पहले मुझे वो बड़ा और सुंदर वाला कमरा देखना है, चलो अभी जाके देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, आधी रात को कहाँ जाएंगे, आधी रात को तुम नॉक करोगी डिस्टर्ब हो जाएंगे वो लोग, नहीं अभी नहीं जाएंगे। तो तुम नॉक मत करना ना, मैं हूँ ना, मैं से जाऊंगी, नॉक नॉक, पूछेंगे कौन है, मैं बोलूंगी हनी इस घर की सबसे बड़ी बहू, चलो लेट्स गो। छोटी भाई और उसकी बीवी को कैसे डिस्टर्ब कर सकता हूँ मैं, लेकिन उनकी रात की नींद खराब करेगी हनी, चैन से नहीं रहने देगी उन्हें। जी वो अच्छा, वो आप लोग सो नहीं रहे, मैं आप लोग का कमरा देखने आई थी। देखिए, अरे देखा ही कहा है मैंने अभी तक, लेकिन मैं सच्ची बता रही हूँ, अभी तक जितना देखा है ना मुझे लगता है आप लोग का कमरा बेस्ट है।
ये कितना प्रिटी है, ये बहुत महंगा होगा ना देवर जी। अरे ये बेड कितना अच्छा है, मुझे ऐसा बेड चाहिए। अरे देखो इस वक्त इसी वक्त मुझे ये कमरा चाहिए। ये क्या बकवास है, मतलब बड़ी बहू के लिए बड़ा कमरा। देखो तुम अच्छी दिखती हो लेकिन मैं सबसे सुंदर हूँ, तो ये सुंदर कमरा सुंदर बहू के लिए होना चाहिए, है ना? अब ये कमरा मेरा। देखो रात बहुत हो चुकी है, अपने कमरे में जाओ। अंश, अंश। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ? अंश देखो ये कमरा मेरा होना चाहिए ना, मैं बड़ी बहू हूँ तो ये कमरा मेरा। तुम लोगों को जितनी नौटंकी करनी थी हो गई, अपनी बीवी को उठाओ, निकल इस कमरे से। एक मिनट मैं बात करता हूँ। हनी देखो ये हमारा कमरा नहीं है, ठीक है, ये इनका कमरा है और अब हमें चलना चाहिए। कम नहीं 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 नहीं, ये कमरा मुझे चाहिए, ये बड़ी बहू के लिए बड़ा कमरा है, इनको बोलो बाहर जाने। इधर इधर देखो इनकी सुहाग रात है, हमें नए रूम से बाहर जाने के लिए नहीं बोल सकते, मेरी बात समझो। अंश लेकिन ये कमरा मेरा होना चाहिए, मैं बड़ी बहू हूँ, मैं सुंदर बहू हूँ, तो ये सुंदर कमरा ये बड़ा कमरा मेरा होना चाहिए, इनको बाहर निकालो। अरे ये लोग जाओ। अरे मेरी बात सुन, देखो वो अपना कमरा नहीं देना चाहते तो क्यों जिद कर रही हो तुम, चलो मेरे साथ। कच्ची कच्ची कच्ची। I'm sorry. हम दोनों की वजह से फालतू में परेशानी उठानी पड़ी तुम्हें, बट एंजॉय द मोमेंट। ये क्या था, क्या हो क्या रहा है इस घर में? देखो सुहानी अब तक मैं तुम्हारे और माँ की वजह से तुम हंस रही हो, तुम मुझ पे हंस रही हो। मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पे, ये ब्लास्ट की आवाज कहां से आई? ये मत पूछिए ये क्या था, ये पूछिए ये किसने किया है।
अपनी नाजायज औलाद के साथ जिस बहू को आप इस घर में उठा के लाए हैं उससे पूछिए क्या था ये, उससे पूछिए क्यों किया उसने ये। इनकी गलती है, सब इनकी गलती है। इन्होंने मुझे वो कमरा नहीं दिया, मुझे वो बड़ा वाला कमरा चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। तो ये क्या तरीका है कमरा को जबरदस्ती लेने का? अभी आप लोग इसे समझते नहीं है, ये दिल की बहुत अच्छी है और तबीयत वगैरह भी ठीक रहती है, बस थोड़ी मन से कमजोर है। अब इसकी जो इच्छा होती है वो पूरी नहीं होती ना, तो फिर इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अंश, तुम हनी को समझते हो और उसकी प्रॉब्लम को भी। मेरा ख्याल है तुम ही उसको देखो और आइंदा से ये हरकत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ठीक है विक्रांत जी? बाबूजी। और आशा तुम? जी बिल्कुल। हनी बेटा चलते? नहीं माँ, मैं बड़ी हूँ ना, तो बड़ा कमरा मेरा होना चाहिए, मुझे वो कमरा चाहिए। हाँ हाँ तुम्हें मिलेगा, अभी चलते हैं। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, मुझे अगर वो कमरा नहीं मिला ना मैं बम फोड़ दूंगी, सच्ची कह रही हूँ। ठीक है अभी चलते हैं। मुझे अभी चलते हैं। अपने अपने कमरे में जाओ। जब भी सामने आया हमेशा बड़े बड़े डायलॉग्स मारे तूने, दिल जलता था मेरा, लेकिन इस बार ऐसी चिंगारी लाया हूं उसे, तेरे डायलॉग्स तो क्या तेरी बोलती भी बंद हो जाएगी। तू वही करेगा जो हनी तुझसे कराएगी रणवीर। अपनी इस बकवास को साइड में रख और सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दे, औरत के पीछे खड़े रह के वार करने वाले को क्या बोलते? Exactly. जिस दिन तू पूरा मर्द बन जाए आके मुझसे बात करना। सब मेरी गलती है, मैंने आशा को घर से बाहर क्या निकाला, इन सब ने तुम लोगों से बदला लेना शुरू कर दिया। फिर शुरू हो गई, फिर से शुरू कर दिया आपने खुद को ब्लेम करना। इस घर पर आपका हक है मां, और अपने घर से किसी को निकालने के लिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। रणवीर सुहानी, मुझे बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या प्लीज आज रात के लिए तुम लोग गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाओगे? मैं सुबह तक ना ये पूरा कमरा साफ करा दूंगी। हाँ माँ, ये इतने बड़े घर में ना ये कमरा ही रणवीर और मेरी छोटी सी दुनिया है। हम अपनी नई लाइफ यहीं से शुरू करेंगे। नई लाइफ का पहला काम इस कमरे को फिर से पहले जैसा बनाना। मैं मदद करती हूँ तुम्हारी। हाँ बिल्कुल नहीं, आप जाकर अपने कमरे में आराम करेंगे और मैं और सुहानी थोड़ा काम करेंगे, थोड़ा
रोमांस करेंगे। रणवीर सुहानी में रणवीर की खुशी है, इसलिए मैंने इस रिश्ते को अपनाया। विक्रांत जी ने आशा और अंश को घर में जगह दी और अंश और उसकी बीवी ने आते ही मेरे बच्चों की खुशी छीन ली। नहीं, क्यों मुझे वो कमरा नहीं दिया? मुझे वो कमरा चाहिए, अभी चाहिए, मुझे लेके चलो, मुझे चाहिए 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 चाहिए। हाँ हाँ हनी, मिल जाएगा तुम्हें। तुम रुको तो। बोला ना था कि मुझे वो कमरा चाहिए। अब हनी बोल रही हूँ, नहीं प्लीज रुक जाओ। मुझे वो कमरा चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ अरे हनी प्लीज रुक जाओ। हनी मुझे वो कमरा चाहिए। अरे रुको एक सेकंड, मुझे वो कमरा चाहिए। अंश कहाँ है मेरा कमरा? मैंने मेरा कमरा मांगा ना, मुझे वो वाला कमरा चाहिए, अभी चाहिए। माँ आप जाइए, मैं से बात करता हूँ। मुझे मुझे मेरा कमरा चाहिए। बोलो तुमने मुझे मेरा कमरा क्यों नहीं दिया? तुमने बोला था ना। क्यों क्यों झूठ बोल रहे हो? मुझे वो कमरा चाहिए चाहिए, मुझे वो कमरा चाहिए। हनी हनी क्या कर रही हो तुम? ये वहीं रुको, वहीं रुको, है ना? क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो? चिल्लाना है तुम्हें? चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ। वही जगह ठीक है तुम्हारे लिए, वहीं छोड़कर आता हूं तुम्हें। अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें मेरी बात तो सुननी नहीं है, तुम्हें सब अपनी मर्जी के करनी है, तो मुझे लगता है वही जगह तुम्हारे लिए ठीक है। जाना प्लीज, मुझे वहां मत लेके जा। बात मानोगी नहीं? हर बात तुम जो कहोगे मैं सब करूंगी प्लीज, लेकिन मुझे वहां मत लेके जाओ प्लीज प्लीज। हनी मेरा रिमोट कंट्रोल है, जिसका एक बटन मैं यहाँ दबाऊंगा, वहाँ लाइफ मुश्किल में रणवीर और सुहानी की आएगी। अब शुरू होगी नई लाइफ। सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ तुम सिर्फ
क्या कर रहे हो? बहुत सारा काम करना है। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। Sirf tum, 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 sirf tum